पिछले सीजन में मंडियों में बासमती धान की बिजाई अच्छे भाव मिलने और पानी की कमी को देखते हुए इस बार पानीपत में 90% किसानों का रुझान बासमती धान की फसल उगाने में है। बासमती कम पानी में ही नहीं होती बल्कि मंडियों में इसके अच्छे भाव भी बिकते हैं, जिस कारण किसान अब इस वैरायटी को तवज्जो दे रहे हैं। हरियाणा में मॉनसूनी हवाएं अभी और इंतजार करवा रही हैं। हालांकि मॉनसून समय से पहले आने से लोग खुश हो गए थे। दरअसल प्रदेश में मॉनसून अमूमन जुलाई के पहले हफ्ते में दस्तक देता रहा है, इसलिए बासमती धान बोने वाले किसान अपनी बिजाई जुलाई में ही करते हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही बारिश लेट हो जाए, इससे फिलहाल खेती पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। और अब की बार मानसून की प्रेडिक्शन ये थी कि भी जून के एंड तक अच्छी बारिश होंगी, क्योंकि अब लगभग लास्ट ही मानो जून का पखवाड़ा जो चल रहा है तो उसमें, लेकिन उतनी बारिश हुई नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर भी देखें, हमने बीच बीच में बारिशें हुई हैं जून के महीने में भी, उसी हिसाब से ठीक है। लेकिन अभी हमारी मेजर रिक्वायरमेंट है वो जुलाई 1 जुलाई से स्टार्ट होगी। हाँ, ये जरूर है कि पिछले सीजन में धान की 1509 और 1121 यानी मोटे धान की किस्म भाव में पिटने के कारण इस बार पानीपत का 90% किसान मोटे धान की बजाय बासमती धान का रुख कर रहा है, क्योंकि ये पानी कम मांगती है और भाव भी बढ़िया मिलता है। बासमती कोई भी वैरायटी है वो MSP पे तो बिकती नहीं है, प्राइवेट ट्रेडर खरीदता है उसको कोई भी, तो जैसा मार्केट का रुख रहता है उसी अनुसार उसको भाव मिलता है। ज़्यादा ग्लट आ गया मार्केट में तो डाउन आ जाता है रेट, यदि प्रोडक्शन कम है तो रेट अच्छा मिल जाता है किसान को। गौरतलब है कि पानीपत जिले में हर सीजन में 75,000 हेक्टेयर में धान की खेती की जाती है, इस बार भी लक्ष्य पूरा किया जाएगा। पर फर्क इतना है कि पानी की कमी के चलते सरकार की फसल विविधीकरण प्रोत्साहन योजनाएं और मोटे धान का पूरा भाव न मिलने से किसान बासमती की तरफ रुख कर रहा है। फिलहाल धान की बिजाई के लिए तुरंत पानी की दरकार नहीं, पर जल है तो कल है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ वीरेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।